हाय फ्रेंड्स, हाउ इज लाइफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपको कभी भी किसी इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी चीज़ के बारे में किसी को बताना हो तो आप कैसे बता सकते हैं? जैसे हम ये बताते ना कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ऐसे सेंटेंसेस। मेरी क्लास में एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, तो या USA में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो जब आप हम किसी चीज़ के बारे में, किसी आदमी के बारे में, किसी जगह के बारे में किसी को उसका परिचय दे रहे होते हैं, यानी बता रहे होते हैं, तो ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? दोस्तों, ये टॉपिक होता है इंट्रोडक्टरी देयर, यानी कि इंट्रोडक्शन देने वाला देयर, किसी का भी इंट्रोडक्शन देने वाला, किसी आदमी का इंट्रोडक्शन, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन, किसी जगह का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, ये सेंटेंसेज देयर से स्टार्ट होते हैं और इन सेंटेंसेज में देयर की कोई मीनिंग नहीं होती। दोस्तों, इसका पार्ट वन हम पहले ही कर चुके हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, सलाह दूंगा कि अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले आपको इसका पार्ट वन देख लेना चाहिए। आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों पार्ट टू, जिसमें हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि क्वेश्चंस। अगर हमको पूछना हो क्या तुम्हारे गांव में एक पुराना मंदिर है, क्या तुम्हारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, इस तरह से। तो इसमें दोस्तों ये स्ट्रक्चर है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का। पहले पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव सेंटेंस किसी भी सकारात्मक वाक्य को कहते हैं, यानी कि जो हाँ वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे क्या इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और क्या इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स नहीं है, वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों, हम पहले सीखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हम दोस्तों पहले इसको इज या आर से स्टार्ट करेंगे। इज या आर प्लस देयर प्लस सब्जेक्ट। अब दोस्तों, ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, हमारा एक वचन है, तो हमको इज का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमको आर का इस्तेमाल करना चाहिए स्ट्रक्चर में। यही हमको, हमारे लिए समझना जरूरी है। अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर यानी एक वचन में होगा तो आप इज का इस्तेमाल करेंगे, अगर ये एक से ज्यादा होगा तो आपको आर का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इज या देयर, इज या आर प्लस देयर प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा कौन हो सकता है दोस्तों? तो दुनिया का कोई भी नाउन हमारा सब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर में हो सकता है। और नाउन क्या होते हैं? दुनिया का कोई भी आदमी, दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी जगह, ये सब नाउन है। तो इसमें से कुछ भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद दोस्तों प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है दोस्तों? ये समझने के लिए हमको ये समझना चाहिए कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिससे हमको थोड़ी सी मीनिंग मिलती है, और उस किसी भी फ्रेज को हम अपने किसी भी सेंटेंस में अपनी बात को बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही किसी फ्रेज में कोई प्रेपोजिशन हो तो उसी को प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का इस्तेमाल जनरली स्थिति बताने के लिए कि कौन कहाँ पर है, स्थान की स्थिति या मानसिक हालत की स्थिति बताने के लिए भी हमको करना चाहिए ज़्यादातर। तो दोस्तों, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। उसके बाद दोस्तों नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव में हमको नो ऐड करना है पॉजिटिव के स्ट्रक्चर में, अपने आप नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे इज या आर प्लस देयर प्लस, यहाँ दोस्तों मैंने नो का इस्तेमाल कर दिया, अब ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज। दोस्तों, एंड में हमको क्वेश्चन मार्क, इस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। उसके बाद दोस्तों हम समझते हैं कि हमारे सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट कोई भी नाउन हो सकता है। इस प्रकार इस स्ट्रक्चर में नाउन ही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों, मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स बनाए यहाँ पर, लेकिन उन एग्जाम्पल्स को बताने के पहले मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ कि इन किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले आप क्वेश्चन वर्ड्स या इंट्रोगेटिव वर्ड्स या WH वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम पूछते हैं ना, क्यों, कहाँ, कैसे, तो यहाँ मैंने लिखा क्वेश्चन वर्ड्स या फ्रेजेस। क्वेश्चन फ्रेजेस भी हो सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं उसमें तो वो क्वेश्चन फ्रेज हो जाएगा, जैसे हाउ मच, हाउ मैनी। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन वर्ड्स या फ्रेजेस ही यूज हो सकते हैं। मैंने तीन ही लिखे हैं। पहला है वाई, वाई की मीनिंग होती है क्यों। उसके बाद है हाउ मच, हाउ मच की मीनिंग होती है कितना। हाउ मच हमको सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज करना चाहिए। और उसके बाद है हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब है कितने। हाउ मैनी हमको सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स या फ्रेजेस हैं, इनको हम इन नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज कर सकते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर के बिल्कुल पहले यहाँ आपको ये क्वेश्चन वर्ड्स और फ्रेजेस यूज करने होते हैं, ये इसी बात का ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बनाया कि कोई किसी से पूछ रहा है कि आर देयर मैनी 5-स्टार होटल्स इन मुंबई, क्या मुंबई में बहुत सारे 5-स्टार होटल्स हैं। तो दोस्तों, ये सेंटेंस कैसे बनाइए समझते हैं जरा। ये एक अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये रहा। और चूंकि होटल्स, मैनी होटल्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, बहुत सारे होटल्स प्लूरल है, तो इसलिए हमको आर से अपना सेंटेंस स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने लिखा आर देयर मैनी होटल्स इन मुंबई,
ऐसे बना दोस्तों सेंटेंस, आर देयर मैनी फाइव स्टार होटल्स, आर देयर मैनी फाइव स्टार होटल्स, वही हमारा सब्जेक्ट है इन मुंबई, क्या मुंबई में बहुत सारे फाइव स्टार होटल्स हैं। जैसे एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया उसका मैंने उसके बाद, कि जैसे किसी को किसी ने किसी ऑफिस में भेजा और वहाँ शायद कोई भी नहीं है, तो ये बात वो बता रहा है किसी को, तो उससे पूछा जा रहा है हैरानी से, अच्छा क्या ऑफिस में कोई भी नहीं है, इज देयर नो वन इन द ऑफिस, ऐसे बना दोस्तों सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस है, इज देयर नो वन इन द ऑफिस, क्या ऑफिस में कोई भी नहीं है, इज देयर नो वन इन द ऑफिस। और अगर हमको क्वेश्चन वर्ड यूज करना हो कि ऑफिस में कोई भी क्यों नहीं है, तो क्यों के लिए दोस्तों होता है वाई, तो हम क्या करेंगे वाई यहां से लेंगे और इस सेंटेंस के बिल्कुल पहले यहां यूज कर देंगे, और हमको सेंटेंस में कोई भी बदलाव नहीं करना होता, सेंटेंस में कोई भी फेरबदल नहीं करना चाहिए। ये भी चीज़ हमको सीखनी चाहिए कि जब भी हमको एक क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करना है, तो हमको उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बिल्कुल पहले या स्ट्रक्चर के बिल्कुल पहले यहाँ यूज़ करना होता है, और हमको सेंटेंस में कोई भी बदलाव नहीं करना होता। तो ये आसान है, बल्कि सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं करना होगा तो हमारे लिए आसान ही रहेगा सीखना। तो अगर किसी ने कहा कि इज देयर नो वन इन द ऑफिस, क्या ऑफिस में कोई भी नहीं है, और फिर वही सवाल पूछ रहा है कि ऑफिस में कोई भी क्यों नहीं है, तो हमने क्या किया, वाई वाई इज देयर नो वन इन द ऑफिस, ऑफिस में कोई भी क्यों नहीं है। उसके बाद दोस्तों कि किसी क्लासरूम के लिए कहीं की कोई पूछ रहा है किसी से कि क्या क्लासरूम में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हमको आर से सेंटेंस स्टार्ट करना चाहिए। तो आर देयर मैनी कंप्यूटर्स इन द क्लासरूम, क्या क्लासरूम में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ऐसे बना दोस्तों सेंटेंस, आर देयर मैनी कंप्यूटर्स इन द क्लासरूम। उसके बाद दोस्तों मैंने दो सेंटेंस बनाए, एक हाउ मैनी से और एक हाउ मच से। इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूं, हाउ मैनी या हाउ मच आप जब भी इस स्ट्रक्चर में यूज करेंगे, तो हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, हाउ मच का मतलब होता है कितना। तो हाउ मैनी और हाउ मच के साथ जो सब्जेक्ट होता है ये आपको तुरंत ही इधर ही पहले ही यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा अगर आप हाउ मच या हाउ मैनी यूज करेंगे। जैसे यहां पूछा जा रहा है, हाउ मैनी कंप्यूटर्स आर देयर इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर्स हैं, ये कोई पूछ रहा है। तो दोस्तों ये ऐसे बना, हाउ मैनी हमने यहां पर लगाया, और ये जो कंप्यूटर्स है सब्जेक्ट वो इधर ही लगाना पड़ा हाउ मैनी के साथ, क्योंकि तभी मीनिंग बनेगी। तो ऐसे बना दोस्तों सेंटेंस, हाउ मैनी कंप्यूटर्स आर देयर इन द क्लासरूम, यानी सब्जेक्ट जो था हमारा वो हमको पहले ले जाना पड़ा, क्योंकि हम हाउ मैनी का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही हाउ मच से एक सेंटेंस बनाया दोस्तों मैंने, हाउ मच मनी इज देयर इन द बैग, कोई किसी बैग में कुछ पैसे हैं, तो उसके लिए कोई पूछा है कि बैग में कितने पैसे हैं, तो इसमें मनी है सब्जेक्ट, तो चूंकि हाउ मच आप यूज करें तो आपको सब्जेक्ट पहले ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसे बना दोस्तों सेंटेंस, हाउ मच मनी, हाउ मच के बाद सब्जेक्ट मनी इधर ही आ गया, हाउ मच मनी, और उसके बाद स्ट्रक्चर फॉलो होगा, हाउ मच मनी इज देयर इन द बैग, सब्जेक्ट हमारा पहले उधर जा चुका है। तो दोस्तों ऐसे बनते हैं सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को देखने के बाद, समझने के बाद, आपके लिए इंग्लिश लिखना और बोलना आसान हो जाएगा। और भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको इस स्ट्रक्चर से खुद से भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो उनमें से एक प्लेलिस्ट सेंटेंस मेकिंग की है, उस प्लेलिस्ट में जाके आपको आप तरह तरह के सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो आप चाहते हैं कि जिसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं अगले वीडियो में वो भी स्ट्रक्चर बना करके आपको दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर हम एक नया स्ट्रक्चर सीखेंगे और साथ में मिलकर इंग्लिश लिखना और बोलना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।